छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर के महेश नगर के समीप बसंतपुर रोड पर निर्माणाधीन एक भवन का स्लैब गिर गया। भवन के स्लैब गिरने से भवन निर्माण में लगे मजदूर भी दब गए, जिसे निकालने के लिए प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया। इस हादसे में एक महिला मजदूर की मौत हो गई, वही एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि राजनांदगांव शहर के महेश नगर के समीप बसंतपुर रोड पर तुलसी नर्सिंग होम के लिए भवन निर्माण कार्य चल रहा था। 3 मंजिला भवन के पोर्च की ढलाई की जा रही थी। इस दौरान ढलाई में लगभग 15-20 मजदूर काम कर रहे थे। स्लैब की ढलाई के दौरान अचानक ही निर्माणाधीन भवन का स्लैब भरभराकर गिर गया, जिससे भवन निर्माण में कार्य कर रहे मजदूर भी स्लैब के नीचे दब गए। प्रशासन को घटना की सूचना मिली तो मौके पर पुलिस, नगर सेना सहित एडिशनल कलेक्टर व महापौर भी मौके पर पहुंची। इस दौरान मलबे में दबे मजदूरों को जेसीबी की मदद से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान मलबे में दबे एक महिला और एक पुरुष मजदूर को निकाला गया। अस्पताल ले जाने पर जंगलेश्वर निवासी महिला मजदूर ज्योति साहू को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वही कमल सिन्हा नामक एक अन्य मजदूर इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस घटना पर महापौर ने शोक व्यक्त किया है, साथ ही पूरी घटना की जांच कराकर जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ से संवाददाता हितेश मणिपुरी की रिपोर्ट। बैठी हुई तभी एक जानकारी आई कि तुलसी नर्सिंग होम जो निर्माणाधीन है उसका छज्जा गिर गया है और करीब बहुत लोग दब चुके हैं। तुरंत हम अधिकारी से उपस्थित हुए, जेसीपी बुलाया गया, एम्बुलेंस बुलाया गया। जानकारी मिली कि 2 लोग दबे हुए हैं, उनको निकाला गया, जिसमें से जानकारी आ रही कि एक की मृत्यु हो चुकी है। बड़ी दुखद घटना है, किस प्रकार की लापरवाही बरती गई, किसके कैसे किया गया, इसकी जांच की जाएगी और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई भी की जाएगी जो इसके लिए जिम्मेदार होगा। यहाँ पे एक समस्या आई थी कि नाली जाम है करके, तो कुछ 15 दिन पहले मैं यहाँ पे पहुँची थी, जब मैंने देखा कि नाली जाम है तो वहाँ पे इनको नोटिस जारी की गई थी ताकि रेत और मलबा वहाँ से हटा लिया जाए, अन्याय उन पर कार्रवाई की जाए। इनको नोटिस दी गई थी, 25,000 फाइन करने की बात की गई थी। इन्होंने 2 दिन का समय मांगा और 2 दिन के अंतर्गत सारी समस्याएँ दूर हो गई थी। महिला की मौत होगी, पुरुष की मौत होगी? महिला की मौत होगी, महिला ज्योति साहू जंगलेसर के रहने आई है। खबर मिल रही है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। हॉस्पिटल निर्माण का कार्य यहाँ पे चल रहा था, जिसमें हमको सूचना मिली कि निर्माणाधीन छत गिर गया है, जिसमें 2 लोगों के दबे होने की सूचना मिली थी। दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया है, दोनों की स्थिति अभी गंभीर है। किसी की मौत भी होने की खबर आ रही है? अभी हमें अभी सूचना मिली है कि उसमें से जो महिला थी जो ज़्यादा गंभीर थी उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस पंचनामा की कार्रवाई कर रही है, जाँच जारी है। ये तो जाँच का विषय है, अभी इस पर पूरे रेस्क्यू करने के पश्चात, पूरे मलबा हटाने के बाद हम देख रहे हैं कि मलबा में कोई और तो नहीं दबा है। सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद इस पर जांच की जाएगी और जांच के बाद देखा जाएगा, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने मजदूर काम कर रहे थे यहाँ पे? प्रारंभिक में हमको सूचना मिली थी कि 15 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे, जिसमें से 2 दबे हुए थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.